मोदी सरकार ने मंत्रियों में बांटे विभाग, यानी कौन से मंत्री को कौन सा मिला विभाग। स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आपको बता दें कि मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय, यानी किसको क्या मिला। गृह मंत्री अमित शाह नया मंत्रालय भी देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी के न्यू कैबिनेट में केंद्र की मोदी सरकार में नए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार में 43 नए मंत्रियों ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मोदी सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 77 पहुंच गई है। हालांकि कैबिनेट विस्तार से पहले कुछ बड़े फेरबदल भी किए गए हैं। मनसुख मांडवी को स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा फेरबदल से पहले बनाए गए मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। किसको कौन सा मंत्रालय मिला, आइए हम आपको लिस्ट वाइज बता देते हैं। इसमें अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ नई बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास यही इकलौता मंत्रालय रहेगा। पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल के पास टेक्सटाइल, फूड एवं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी भी उनके पास रहेगी। अश्विनी वैष्णव को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कम्युनिकेशन और रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री, रसायन उर्वरक मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का विभाग सौंपा गया है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन की भी जिम्मेदारी दी गई है। हरदीप सिंह पुरी को अर्बन डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिल गया है। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और फिशरीज मंत्रालय मिला गया है। अनुराग ठाकुर खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा संभालेंगे। इसी के साथ गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नारायण राणे को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। सर्वानंद सोनेवाल को आयुष मंत्रालय दिया गया है। इसी के साथ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज भी इन्हें सौंपा गया है। आर के सिंह को कानून मंत्रालय दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार के नए कैबिनेट विस्तार में 36 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और 7 मंत्रियों का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है। कैबिनेट में यह फैसला ले लिया गया है कि किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। कैबिनेट की बैठक कल शाम गुरुवार को 7 बजे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की बैठक है। बैठक में सरकार के फोकस और आगामी 2.5 साल का कैसा कार्यकाल रहेगा, इसकी ब्रीफिंग भी की जाएगी। इससे ठीक पहले कल शाम गुरुवार 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी की जाएगी।